हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो वर्डपैड का ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है, जिसमें आप सभी लोगों को वर्डपैड में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की सभी चीज़ों को बताई जाएंगी। और इस साथ ही साथ में आपको आज इस वीडियो के अंतर्गत जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उसको लाइक पेट कर भी बताया जाएगा। तो दोस्तों, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं और जो भी चीज़ बताई जाती है इस वीडियो के अंदर अगर आप उसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों 100% की गारंटी है कि दोस्तों आपको दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए और वीडियो को लंबा ना करते हुए बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल के आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले जाए। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्डपैड प्रोग्राम को ओपन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, वर्डपैड प्रोग्राम को ओपन करने का हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च में आते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे वर्डपैड। वर्डपैड जैसे ही टाइप करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऊपर आपको सबसे पहला ऑप्शन वर्डपैड का आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हम वर्डपैड प्रोग्राम पे चले जाएंगे। और दूसरा तरीका है दोस्तों हमारे पास कि हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे विंडोज़ एसेसरीज यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे नीचे वर्डपैड आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट अपने वर्डपैड प्रोग्राम पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, वर्डपैड प्रोग्राम का इंटरफेस आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि वर्डपैड प्रोग्राम के क्या क्या कमांड होते हैं और उस कमांड का क्या क्या कार्य होता है। तो हम बारी बारी से सभी चीज़ों को आपको बताते जाएंगे और आप ध्यानपूर्वक उसको सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। तो दोस्तों, वर्डपैड प्रोग्राम के अंदर हमारे सबसे पहला कमांड आता है टाइटल बार। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डॉक्यूमेंट वर्डपैड के नाम से लिखा हुआ आ रहा है। ये हमारे वर्डपैड प्रोग्राम का जो करंट टाइटल बार है, वर्डपैड प्रोग्राम का करंट टाइटल है। अब दोस्तों आप कहेंगे यहाँ तो डॉक्यूमेंट वर्डपैड लिख के आ रहा है। तो दोस्तों, अभी हमने अपने इस फाइल का कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है, जिस वजह से अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्डपैड लिखा हुआ आ रहा है। अभी हम जब इस फाइल को किसी भी नाम से सेव करेंगे, जिस नाम से सेव किए हुए रहेंगे उसी नाम से दोस्तों हमारा टाइटल बन जाएगा। तो दोस्तों, टाइटल बार का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों, टाइटल बार से हमें पता चलता है कि हम किस फाइल और किस प्रोग्राम पे कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा टाइटल बार क्या होता है और इसका क्या कार्य होता है। तो दोस्तों, इसके बगल में ही जस्ट आता है हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में दोस्तों हमारे सभी शॉर्टकट्स दिए होते हैं, जिससे हम अपने वर्डपैड प्रोग्राम में कार्य करने में बहुत सारी सहायता होती है, जैसे कि सेव होता है, ओपन होता है, न्यू होता है, इत्यादि बहुत सारे शॉर्टकट्स दिए होते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में। उसके बाद दोस्तों, इसके नीचे आता है हमारा फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंदर दोस्तों हमारे बहुत सारे कमांड्स आते हैं जो कि शॉर्टकट्स के रूप में दिए होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। तो दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि इन सभी के अंदर आने वाले कमांड का क्या कार्य होता है और इसका शॉर्टकट्स क्या होता है। तो दोस्तों, फाइल मेन्यू के अंतर्गत आने वाला हमारा सबसे पहला कमांड न्यू होता है, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन होता है। तो दोस्तों, न्यू का मतलब क्या होता है। न्यू से हम दोस्तों अपने वर्डपैड प्रोग्राम में ब्लैंक न्यू फाइल को ओपन करते हैं। मान लीजिए हम इस पर कोई भी कार्य कर रहे हैं और हमको अब इस पेज पे काम नहीं करना है, इस फाइल पे काम नहीं करना है, तो हमको नया पेज चाहिए होगा। तो उस केस में आपको या तो आप इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे, या फिर आपको यहाँ पे फाइल मेन्यू में आना है, उसके बाद यहाँ पे न्यू पे प्रेस कर देंगे। तो उसके बाद न्यू पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको परमिशन के लिए पूछेगा कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये आपसे पूछेगा ये इसको आपको सेव करना है या फिर नहीं करना है। अगर आपको सेव करना रहेगा तो आप सेव के ऊपर क्लिक करिएगा, अगर नहीं करना होगा डोंट सेव करने के बाद आप स्किप हो जाइएगा। तो दोस्तों, ये तो आपके ऊपर है, आप सेव करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अब इसके बाद फाइल मेन्यू के अंतर्गत आने वाला हमारा जो सेकंड कमांड है वो है ओपन।
जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ओ होता है। तो दोस्तों ओपन के बताने से पहले हम आपको इसके नीचे जो सेव आता है सेव कमांड उसको हम बताएंगे, जिसके बाद आपको अगर ओपन बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों सेव का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस होता है। सेव से दोस्तों हम आपको बताते हैं लाइव कि सेव से क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए हमने इस फाइल में कोई भी कार्य किया, कोई भी फॉर्मेटिंग की, तो जैसे हम यहाँ पे पहले अवध ग्लो लिख देते हैं, अवध ग्लो। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट का मतलब है इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे हम पहले तो कलर कर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं। उसके बाद इसको बोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हम इसका जो साइज है इसको इंक्रीज कर देते हैं। अब दोस्तों ये तो हमारा, अभी हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए या तो अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एस को की को प्रेस करिए या फिर यहाँ पे फाइल मेन्यू में आइए और सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको दोस्तों दो चीज़ों की बहुत ज़रूरी है जो कि आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको लोकेशन देगा, आप किस लोकेशन में इसको सेव करना चाहेंगे, तो यहाँ आपको अपने हिसाब से करना होगा। आप जहाँ पे अपना सेव करना चाहेंगे इस फाइल को इस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। तो मैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में सेव करूँगा तो डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे दोस्तों फाइल नेम पूछ रहा है। फाइल नेम ही आपका टाइटल होता है जो कि टाइटल बार में शो होगा। तो यहाँ पे मैं तो वर्ड पैड लिख देता हूँ, याद रखने के तौर पे वर्ड पैड। वर्ड पैड लिखने के बाद मैं यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों ये तो हमारा हो गया सेव। सेव आपको समझ में आ गया होगा कि सेव फंक्शन से, सेव के कमांड से हमारा क्या होता है। अब हम इसको एक बार कट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम दोबारा से हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च में वर्ड पैड सर्च कर लेंगे, वर्ड पैड। अब दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ओपन कमांड का क्या मतलब होता है। यहाँ पे अब हमारा काम आएगा ओपन का। ओपन का मतलब होता है दोस्तों आपने आपने अपने वर्ड पैड प्रोग्राम के अंदर कभी भी जो कार्य किया हो, अगर आप उसको सेव किए होंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, तो दोस्तों आप उस फाइल को दोबारा से अपने वर्ड पैड प्रोग्राम के अंदर ओपन कर सकते हैं। उस फाइल को ओपन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम इसको ओपन पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नीचे पहले तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पे आपका फाइल का नेम जो है वो आपको शो हो रहा होगा तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं शो हो रहा हो दोस्तों तो यहाँ पे फाइल नेम के ऊपर आएंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे उस नाम को लिखेंगे जिस नाम से आपने अपने फाइल को सेव किया हुआ है डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पे वर्ड पैड के नाम से सेव किया था तो यहाँ पे मैं वर्ड पैड लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे मैं WO लिखा तो वर्ड पैड जो मैंने सेव किया था वो आ गया है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओपन के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों मैंने जिस प्रकार से फॉर्मेटिंग करके सेव किया था सेम उसी प्रकार से ओपन हो गया है। तो दोस्तों आई होप आपको ओपन कमांड का जो कार्य होता है वो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके बाद आता है हमारा सेव एज। सेव एज और सेव में दोस्तों ज़्यादा फर्क नहीं होता है। सेव एज का मतलब यही होता है कि हमने जो भी फाइल को सेव किया है अगर उसमें हम कुछ भी दोबारा से उसमें हम रीफॉर्मेटिंग करते हैं या फिर दोबारा से उसको एडिट करते हैं तो हम उसी फाइल को सेव एज कर सकते हैं। और सेव एज करने का फ़ायदा हमको ये मिलेगा कि हम उसी फाइल को किसी दूसरे लोकेशन पे और दूसरे नाम से भी हम उसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों सेव एज में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही है कि सेव एज के द्वारा हम उसी फाइल को जो हमारा फाइल पहले से सेव है उसी को हम दूसरे लोकेशन पर और दूसरे नेम से हम सेव कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों प्रिंट। प्रिंट के ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एक तो डायरेक्ट प्रिंट है, प्रिंट आप इससे प्रिंटर से कनेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग किए रहेंगे उसे आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट का भी वही कार्य होता है दोस्तों, आप जल्दी से इसको प्रिंट कर सकते हैं। क्विक प्रिंट अगर आप करेंगे तो आप इसमें जो भी किए हुए रहेंगे आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, वो आपका डिफ़ॉल्ट तुरंत प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू से आप यहाँ पे पहले चेक कर सकते हैं कि हमारा मार्जिन कितना है, पेज सेटअप चेक कर सकते हैं और हमारा जूमिंग कितना है और ये कितने पेज में जा रहा है। आप अगर टू पेज में जा रहा है तो उसे वन पेज में कर सकते हैं, वन पेज में टू पेज में करना चाहते हैं तो आप इसे टू पेज में करते हैं।
यहाँ पे आप प्रिंट होने से पहले आप देख सकते हैं कि हमारा पेज किस प्रकार से प्रिंट होकर निकलेगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट कमांड। इसके बाद आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप से दोस्तों आप यहाँ पे पेज सेटअप के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं कि हमारा साइज़ क्या है और सोर्स क्या है, ओरिएंटेशन हमारा कौन सा सिलेक्ट है और हमारा यहाँ पे मार्जिन क्या सिलेक्ट है, इंचेस में है या सेंटीमीटर है या मिलीमीटर में है, और अगर इंचेस में है तो कितने इंच का है जो हमारा मार्जिन सिलेक्ट हुआ है। इससे पेज सेटअप से हमारा पता चल जाता है कि हमारा जो पेज है वो किस प्रकार से सेटअप है। अब दोस्तों नीचे आपको सबसे लास्ट में देखने को मिल जाएगा एग्जिट। अगर दोस्तों आप यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो आप वर्डपैड प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको फाइल मेन्यू के अंतर्गत जो सभी कमांड आए हैं अभी तक उनको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने होम टैब पे। होम टैब के अंदर हमको कई सारे हमारे मेन्यू देखने को मिल जाते हैं। जैसे दोस्तों हमारा सबसे पहला मेन्यू होता है क्लिपबोर्ड मेन्यू। मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारा होम टैब है और इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा मेन्यू है ये है क्लिपबोर्ड मेन्यू। यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों हमारा क्लिपबोर्ड मेन्यू है। इसके अंदर भी तीन कमांड आते हैं जो कि हैं कट, कॉपी, पेस्ट। इसके बाद जो हमारा मेन्यू आता है दोस्तों वो है फॉन्ट मेन्यू। फॉन्ट मेन्यू के अंदर दोस्तों हमारे फॉन्ट या फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितने सारे कमांड होते हैं वो सब हमारे फॉन्ट मेन्यू के अंदर आते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा मेन्यू आता है वो है पैराग्राफ मेन्यू। पैराग्राफ मेन्यू के अंदर दोस्तों हमारे पैराग्राफ से रिलेटेड जितने भी सारे कमांड आते हैं ये सब हमारे पैराग्राफ मेन्यू के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू के अंदर दोस्तों हमारे जितने भी हमारे पेज पे जो भी हमारे इंसर्ट होते हैं, पिक्चर हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, पेन ड्राइव हो गया या इंसर्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये सारे कमांड हमारे इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो लास्ट है एडिटिंग मेन्यू। एडिटिंग मेन्यू के अंतर्गत दोस्तों हमारे तीन कमांड आते हैं जैसे कि हो गया फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। ये सारे कमांड हमारे एडिटिंग मेन्यू के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे इन सभी मेन्यू के अंतर्गत आने वाले कमांड और उनके सभी कार्यों के बारे में। उससे पहले दोस्तों हम आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता देते हैं जो कि आगे बहुत हमको काम आने वाली हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो हमारा आपको यहाँ पे स्केल टाइप में दिख जा रहा होगा ये इसको रूलर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे वाइट वाइट एरिया आपको दिख जा रहा होगा इसको हम वर्किंग एरिया या फिर आप पेज भी बोल सकते हैं। उसके बाद इसके जस्ट नीचे दोस्तों इस पेज के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये वाइट वाइट जो आपको देखने को मिल जा रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा स्टेटस बार होता है जिस पर हमारा जूमिंग परसेंटेज दिया होता है कि हमारा जो पेज है वो कितना परसेंट तक जूम है। अब दोस्तों क्लिपबोर्ड मेन्यू के अंतर्गत हम सभी जो हमारे कमांड आते हैं उनको बताने से पहले आपको हम कुछ और आवश्यक चीज़ें बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा हो गया कि हम अपने मैटर को सिलेक्ट कैसे करते हैं। उससे पहले हम आपको यहाँ पे कुछ मैटर को लेकर के बताते हैं कि कैसे सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा मैटर आ गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे हम जानेंगे कि मैटर को हम सिलेक्ट कैसे करेंगे क्योंकि बिना सिलेक्ट किए हम यहाँ पे टेस्ट में हम कुछ फॉर्मेटिंग ही नहीं कर पाएंगे। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हम मैटर को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हमारा जो अगला कमांड होगा वो इनेबल होगा वो फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे हम किसी भी मैटर को या किसी भी लाइन या किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमको जिस भी मैटर या फिर जिस भी लाइन को सिलेक्ट करना होगा उस टेक्स्ट के आगे हम अपना कर्सर ले जाएंगे। उसके बाद अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए हमको जितना मैटर सिलेक्ट करना होगा उस मैटर के सामने हम लेकर जाएंगे और जितना लाइन सिलेक्ट करना होगा उस लाइन के आगे हम लेकर जाएंगे ऐसे। उसके बाद वहाँ पे सिंपली छोड़ देंगे। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा कि हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो आप ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारा कट, कॉपी, पेस्ट क्या होता है। उससे सबसे पहले कट, कॉपी, पेस्ट में से हम सबसे पहले आपको ऑप्शन बताएंगे जो होता है कॉपी। कॉपी, कट और पेस्ट ये तीन ऑप्शन दोस्तों आपको हर एक जगह मिल जाएंगे और हर एक प्रोग्राम में इसका एक ही काम होता है, कहीं भी इसका काम अलग नहीं होता है। हर एक जगह पे आपको कट, कॉपी, पेस्ट का जो काम होता है वो सेम होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा है वीडियो। अब इसको हम आपको कॉपी करके बताएंगे। कॉपी का मतलब होता है दोस्तों किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए।
उसके बाद यहाँ पे आएंगे कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या फिर इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस सी, यहाँ पे इसे कॉपी कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट बताएंगे, पेस्ट का क्या मतलब होता है। यहाँ पे सेकंड जो हमारा कमांड आता है क्लिपबोर्ड मेन्यू के अंदर होता है पेस्ट। अब यहाँ पे हम कर्सर लेके आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आप तो पेस्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे या फिर उसको हम शॉर्टकट, इस पेस्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस बी, यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी को प्रेस कर देंगे तो हमारा जो हमने वहाँ पे कॉपी किया था, ये यहाँ पर हमने वीडियो को कॉपी किया था और यहाँ पे हमारा कर्सर था, यहाँ पे हमने ले आके इसको पेस्ट कर दिया। एक चीज़ दोस्तों है कॉपी और कट में जो अंतर होता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे हमारा वीडियो यहाँ पे भी था और वीडियो यहाँ पे भी था। अब दोस्तों हम बताएंगे आपका कट का ऑप्शन। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम कट को सिलेक्ट करेंगे। कट का जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एक्स होता है। अगर आप कट का यूज़ करना चाहते हैं या तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या तो अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एक्स की को प्रेस करेंगे तो भी कट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, कट आपका यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा वीडियो था वो हट चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे तो देखिए दोस्तों वहाँ से वीडियो हट करके वीडियो जो टेक्स्ट था वो यहाँ पे आ चुका है। कट का मतलब होता है आप जहाँ पे उसके कट करेंगे वो वहाँ से हट कर उसके बाद आप जहाँ भी अपना कर्सर ले जाएंगे वहाँ पेस्ट करेंगे वो टेक्स्ट आपका वहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको क्लिपबोर्ड मेन्यू के अंदर कट कॉपी पेस्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोस्तों आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं क्या चीज़ कैसे होता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने फॉन्ट मेन्यू के अंदर। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि फॉन्ट मेन्यू के अंदर आने वाले सभी कमांड और उन सभी कमांड के कार्यों के बारे में। तो फॉन्ट मेन्यू के अंदर आने वाला सबसे पहला कमांड हमारा फॉन्ट फैमिली होता है। फॉन्ट फैमिली के अंदर दोस्तों हमारे कई प्रकार के फॉन्ट दिए रहते हैं जिसमें हम इसको सिलेक्ट करके और उसके बाद हम यहाँ पे वर्किंग एरिया में टेक्स्ट को टाइप करते हैं। दूसरा हमारा जो कमांड आता है ये हमारा फॉन्ट साइज। यहाँ से हम इसको अपने फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे नीचे आता है जैसे कि यहाँ पे है ये बोल्ड जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बी होता है। इससे दोस्तों हम अपने सिलेक्ट किए गए मैटर को बोल्ड करते हैं। देखिए दोस्तों हमने जिस भी मैटर को सिलेक्ट किया था ये हमारे और मैटर से बोल्ड हो चुका है। यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ तक यह अभी वैसा ही है जैसे पहले था और यहाँ से ऊपर देखिए दोस्तों ये हमारा बोल्ड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर कंट्रोल जेड कर दे रहे हैं। कंट्रोल जेड हमारा दोस्तों अंडू का शॉर्टकट होता है। जब भी मैं कंट्रोल जेड बोलूँगा आप समझ जाइए कि मैंने अंडू किया है। तब उसके बाद दोस्तों इसके बगल में आता है हमारा इटैलिक जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आई होता है। इटैलिक से दोस्तों हम अपने सेलेक्ट किए गए मैटर को तिरछा करते हैं या फिर आप कह सकते हैं इटैलिक करते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारे बाकी मैटर से कितना अलग दिख रहा है, ये हमारा इटैलिक किया हुआ लाइन है। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा अंडरलाइन। जैसे हमने जो यहाँ पे यू के नीचे लाइन है ये हमारा अंडरलाइन का सिंबल है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस यू होता है। अभी दोस्तों यहाँ पे मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा देखिए अंडरलाइन यहाँ के इस लाइन के नीचे अंडरलाइन लग गया है। अब दोस्तों हमारा आता है ये स्ट्रिक थ्रू का दोस्तों मतलब होता है जैसे हमने अपने कोई भी टेक्स्ट या फिर मतलब टेक्स्ट के ऊपर बीच में से लाइन खींचना हो, जैसे हमारा कॉपी में लिखते समय गलत हो जाता है तो उसको बीच में से लाइन खींच देते हैं जिससे यह पता चलता है कि वह लाइन गलत हो चुका है। इसी से दोस्तों हमारा इसमें बीच में से लाइन आता है। ऐसे हम इसको क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए ये लग रहा है कि इसमें बीच में लाइन खींचा गया है, ये स्ट्रिक थ्रू से होता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट कमांड आता है ये है हमारा सबस्क्रिप्ट। आप दोस्तों केमिस्ट्री पढ़े होंगे अगर तो आप जानते होंगे जल का फार्मूला होता है H2O। यहाँ पे मैं सिंपली H2O लिख देता हूँ H2O। इसके बाद दोस्तों अब हम बताएंगे आपको कि सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने केवल 2 को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे मैं सबस्क्रिप्ट कर दे रहा हूँ तो ये जो 2 था वो हमारे H के नीचे आ गया। ये हमारा इसे सिंपली दोस्तों हमारा मैथ या फिर केमिस्ट्री का जो फार्मूला बनाया जाता है ये इतना ही आप समझिए। इसके जस्ट बगल में दोस्तों आता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ दोस्तों हमारा पावर के लिए किया जाता है। मान लीजिए हमारा कोई डिजिट है और किसी डिजिट को उस डिजिट के पावर में लाना है तो हमारा सुपरस्क्रिप्ट कमांड का यूज किया जाता है।
जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे 2 को सिलेक्ट किया, केवल 2 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों आप कर्सर के उसके राइट साइड में करेंगे, उसके बाद शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे तो हमारा केवल एक ही डिजिट हमारा सिलेक्ट होगा। तो अगर वो सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पावर में चला गया। उसके बाद दोस्तों ऐसे हम सभी 2 को यहाँ पे फिर से 2 को एक के बगल में जो 2 है उसको भी हम इसी तरह से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ लास्ट में हम इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर कमांड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देखिए ये हमारा एक प्रकार का मैथ का फार्मूला बन गया। ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा मैथमेटिक्स का फार्मूला होता है। तो दोस्तों आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा सही तरीके से। अब दोस्तों इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद दोस्तों अब आता है हमारा इसके बगल में टेक्स्ट कलर। इससे दोस्तों हम अपने टेक्स्ट को कलर करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं यहाँ पे इस लाइन को कलर करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, हमको जो भी कलर पसंद आएगा, जैसे मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा यहाँ से नीचे ब्लैक कलर है, उसके बाद जो हमने सेलेक्ट किया था उसके बाद टेक्स्ट कलर पे क्लिक कर देंगे। कलर को सिलेक्ट करने के बाद हमारा वो लाइन कलर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे हाइलाइटर। हाइलाइटर से आप समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि हाइलाइटर का सिंबल कुछ इस तरह से बना होता है। टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। हाइलाइटर दोस्तों आप सिंपली अपने घरों में यूज करते होंगे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दोस्तों हाइलाइटर का मतलब होता है, जैसे हमने अभी तक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या बुक्स में अपने हमारा कोई भी जो पैराग्राफ के अंदर जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसको हम अपने हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे इस टेक्स्ट हाइलाइटर का यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए मुझे इस लाइन को हाईलाइट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं इसको सिंपली ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद टेक्स्ट हाइलाइटर पे जाऊँगा, उसके बाद जो भी हमको कलर करना होगा येलो करना होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे ग्रीन या कुछ भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इस कलर को सिलेक्ट करूँगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो गया, ये हमारे सभी पैराग्राफ में हाईलाइट होके शो होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा जो कमांड आता है वो है ग्रो फॉन्ट, उसके बगल में है श्रिंक फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का मतलब होता है दोस्तों हम जैसे ही अपने मैटर को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे ग्रो फॉन्ट करेंगे तो हमारा जो फॉन्ट साइज़ है वो बढ़ेगा, उसके बाद श्रिंक फॉन्ट करेंगे तो ये हमारा घटेगा। तो दोस्तों आई होप ये जो फॉन्ट का मेन्यू था ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट मेन्यू की तरफ। इससे जो अगला मेन्यू है वो हमारा दोस्तों पैराग्राफ है। पैराग्राफ में हमारा सबसे पहला जो कमांड आता है वो डिक्रीज इंडेंट, उसके बाद इंक्रीज इंडेंट। तो दोस्तों डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट से हम सिलेक्ट पैराग्राफ के इंडेंट को बढ़ाते या फिर घटाते हैं। जैसे मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट करूँगा तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पैराग्राफ के लेफ्ट साइड में जगह हमारा छूट रहा है पेज से। उसके बाद अब यहाँ पे डिक्रीज करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो जगह छूटा हुआ था वो कवर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। इसके बाद हमारा दोस्तों आता है सिलेक्ट अ लिस्ट। हम अपने पैराग्राफ में अगर कोई सा भी बुलेट्स लगाना चाहते हैं, नंबरिंग का या फिर अल्फाबेटिकल या फिर 1, 2, 3 का, तो हम यहाँ से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके या फिर अपने हेडिंग वाइज सिलेक्ट करके उसको हम लगा सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा लाइन स्पेसिंग। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग हम आपको करके दिखा देते हैं। दोस्तों हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने अभी तो 1.15 पे है, उसके बाद 1.5 पे करेंगे तो दोस्तों देखिए हमारे पैराग्राफ के लाइनों के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आता है हमारा अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एल होता है, अभी मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे पहले मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं सभी पैराग्राफ को एक ही, मतलब ये हमारे पास एक ही पैराग्राफ है तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट पे करेंगे तो हमारा जो मैटर है वो हमारा लेफ्ट से अलाइन हो जाएगा। लेफ्ट से बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लेफ्ट में हमारा बिल्कुल सीधा है और राइट में नहीं सीधा है, नहीं सही है, कोई घटा है, कोई बढ़ गया है, कोई घट गया, तो कोई उससे ज़्यादा बढ़ गया है। इसके बाद दोस्तों इसके जस्ट बगल में आता है सेंटर, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई होता है।
इसको हम सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही सेंटर करेंगे तो ये हमारा जो मैटर है वो सेंटर से अलाइन हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कमांड टेस्ट अलाइन टू राइट, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आर होता है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा राइट से बराबर हो जाएगा और लेफ्ट में हमारा घटी बड़ी हो जाएगा। जो पैराग्राफ जो लाइन छोटा है वो छोटा रह जाएगा और जो बड़ा है वो बड़ा ही रह जाएगा। इसके बाद इसके बगल में आता है दोस्तों जस्टिफाई, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जे होता है। जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा दोनों साइड से बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा जो नेक्स्ट और सबसे लास्ट पैराग्राफ में जो कमांड आता है वो है पैराग्राफ। पैराग्राफ ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा हमारे सामने। यहाँ पे दोस्तों हमारा लेफ्ट में कितना जगह छोड़ना है और राइट में, उसके बाद फर्स्ट लाइन में कितना स्पेस छोड़ना है और लाइन स्पेसिंग कितना करना है, यहाँ पे हम फिल करके ओके कर देंगे तो हमारा उसी तरह से हो जाएगा पैराग्राफ। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेन्यू है वो है इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहला जो कमांड आता है दोस्तों वो होता है हमारा पिक्चर। अगर दोस्तों हमको अपने पेज में किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करना हो या किसी भी चित्र को यहाँ पे दर्शाना हो तो दोस्तों हम यहाँ पे पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने कंप्यूटर में से हमने जहाँ भी पिक्चर को रखा हुआ है वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद लगाएंगे। चलिए मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कोई सा भी पिक्चर। यहाँ पे मैं अपना फाइल ओपन कर लूँगा। उसके बाद मान लीजिए मुझे इस इमेज को यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे इसे डायरेक्ट ओपन कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इमेज, इसको हम अपने हिसाब से छोटा या फिर बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा पेन ड्राइंग। पेन ड्राइंग से मतलब होता है दोस्तों हम यहाँ पे अपने पेंट प्रोग्राम के अंदर जो भी चीज़ ड्रॉ करेंगे वो डायरेक्ट हमारे उस पेज पे आके लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ इलिप्स को ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद उसमें कलर फिल कर देता हूँ। यहाँ पे इलिप्स कर दे रहा हूँ, अब इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं इसे कलर कर दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए मैं इसे जैसे ही कट करूँगा ये हमारा यहाँ पे आके लग जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कमांड है हमारा डेट एंड टाइम। अब दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे हमारा कर्सर रहेगा उसके नीचे यहाँ पे मान लीजिए मैंने इंटर कर दिया, अब मेरा कर्सर यहाँ पे है। अभी मैं जैसे ही डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो हमारा करेंट डेट एंड टाइम रहेगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे परमिशन लग रहा है, देखिए हमारा करेंट डेट यहाँ पे शो हो गया। उसके बाद दोस्तों इसका नेक्स्ट कमांड है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट का जो हमारा डायलॉग बॉक्स रहेगा वो हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम हैं जिनसे ये इंसर्ट करा सकता है किसी भी फोटो या किसी भी फाइल को, वो यहाँ पे ओपन होके हमारे सामने आ गया है। हम इन सभी प्रोग्रामों से जो भी फाइल को चाहेंगे वो हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी दोस्तों हम आपको बस दिखा दे रहे हैं, उसके बाद आपको अगर करना होगा तो आप अपने घर पे कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा लास्ट मेन्यू आता है वो है एडिटिंग मेन्यू। एडिटिंग मेन्यू में दोस्तों हमारा सबसे पहला कमांड है फाइंड। फाइंड से दोस्तों हम अपने मैटर के अंदर कोई भी वर्ड हमको मान लीजिए फाइंड करना हो तो दोस्तों यहाँ पे हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे गया फाइंड करना है, GYA, मैंने इस वर्ड को फाइंड करना है तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा GYA। उसके बाद यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से आप कितना भी सारा मैटर हो, आपको जो भी वर्ड इसमें फाइंड करना हो आप इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा रिप्लेस। इसी तरह से दोस्तों जैसे हमने फाइंड किया है उसी वर्ड को हमको रिप्लेस करना है किसी दूसरे वर्ड के साथ तो हम इसी तरह से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने गया को फाइंड किया था, अब मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ इंड, END। उसके बाद यहाँ पे मैं रिप्लेस करूँगा तो ये हमारा दोस्तों रिप्लेस हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए गया है, यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा इंड हो गया, गया की जगह पे इंड हो गया। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा सेलेक्ट ऑल, जिससे आपको पता ही है सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ए होता है। आप या तो यहाँ कंट्रोल प्लस ए से कर सकते हैं या तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन से कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं अपने हम लास्ट, जो हमारा लास्ट है व्यू मेन्यू। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहला जो कमांड देखने को मिल जाएगा वह है जूम।
जूम इन दोस्तों, यहाँ पे हमें या तो यहाँ पे राइट साइड में सबसे नीचे यहाँ पे एक स्केल बना होता है जूम इन और जूम आउट का, यहाँ से कर सकते हैं या फिर इस दोनों कमांड से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है पेज परसेंटेज, तो यहाँ पे मेरा पेज परसेंटेज 100 है। यहाँ पे अगर हमें चाहें तो इसको घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ स्केल से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रूलर दिया हुआ है, रूलर पे अगर चेक अनचेक कर देंगे तो हमारा रूलर हट जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा रूलर हट गया, यहाँ पे मैं चेक कर दूँ रूलर को रहने देता हूँ। अब यहाँ पे स्टेटस बार, यहाँ पे नीचे आपको स्टेटस बार देखने को मिल जा रहा होगा, अब यहाँ पे मैं अनचेक कर देता हूँ तो स्टेटस बार हट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे लास्ट में दो ऑप्शन बचे हुए हैं, ये है वर्ड रैप, उसके बाद मेजरमेंट यूनिट्स। मेजरमेंट यूनिट दोस्तों डिफ़ॉल्ट यूनिट होता है, इंचेस में होता है, इसको आप इंचेस पे सेलेक्ट किए रहिएगा। उसके बाद यहाँ पे वर्ड रैप है दोस्तों, इसमें पहला सबसे पहला ऑप्शन नो रैप होता है, सेकंड रैप टू विंडो, उसके बाद रैप टू रूलर। अब दोस्तों यहाँ पे मैं इसका सभी का आपको यूज़ बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा सबको, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे दोस्तों नो रैप के ऊपर करूँगा। ये देखिए दोस्तों ये हमारा जो मैटर है वो सीधे अंदर तक चले जा रहा है, स्क्रीन के अंदर चले जाएगा एक ही लाइन के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, पहले तो इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं रैप टू विंडो, मतलब जहाँ तक मेरा ये स्क्रीन है विंडो का वहाँ तक आपको शो होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट में कर देता हूँ रैप टू रूलर, अब यहाँ पे दोस्तों जो हमारा जो रूलर है वो वहीं तक शो होगा। आई होप दोस्तों अभी तक मैंने आपको जो भी बताया वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो तो दोस्तों उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर दोबारा से वीडियो बनाऊँगा पर्टिकुलर उसी कन्फ्यूज़न के ऊपर दोस्तों, आपका अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।